एक सेकंड, सुनो अनीता, तुम घोड़े पे जा रही हो, पीछे से कार आती है। कार जैसे ही तुमसे आगे निकल जाए, तुम घोड़े को व्हिप करके कार से आगे निकल जाना। ये सीक्वेंस है, देखो वहाँ पर घोड़ा है और उस घोड़े पर बैठकर तुम उसी रास्ते से सीधी जाओगी जी। और थोड़ी देर के बाद मैं तुम पर जूम करूंगा। यस सर। समझ गई ना? हाँ जी। है? जल्दी करो, लाइट जा रही है ना। हाँ जी, आप मुझे इशारा करेंगे ना? बिल्कुल करूंगा इशारा। अनीता रेडी? आप हटिए। हाँ, स्टार्ट का मेरा रेडिंग एक्शन। Thank you.
कैसी हो अनीता? तुम हम यहाँ? बड़ी डरपोक हो तुम, जरा से हाथ से मैं बेहोश हो गई। मुझे तुम्हें उठा के लाना पड़ा। बहुत हल्की हो तुम, एकदम फूल की तरह। अपनी बॉडी को ऐसे ही स्लिम रखना। हम हैं कहाँ? शहर से बहुत दूर, रात यहीं गुजारनी पड़ेगी। क्या रात इस जंगल में? अरे तुम घबराती क्यों हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। नहीं तुम अंदर यहीं सो जाना, मैं कहीं भी बाहर पेड़ के नीचे सो। बारिश बहुत है, सुबह चला जाऊंगा। अनीता? हाँ? वो लड़का तुम्हारे साथ इतनी हमदर्दी क्यों दिखाता है? अरे दीदी वो तो उसकी आदत है, बड़ा दिलचस्प लड़का है, हर एक के साथ इसी तरह बर्ताव करता है। I like him. याद है मैंने आपको बताया था कि उस दिन शूटिंग के बीच सामने वाले मॉडल को हटाकर खुद एक्टिंग करने लगा था। He's really amusing. मुझे लगता है वो तुम्हारे साथ दोस्ती बढ़ाने के चक्कर में है। इसमें बनाने की क्या बात है, हम एक साथ काम करते हैं, दोस्तों में ही। ऐसा ना हो कि वो तुम्हारी दोस्ती का कोई गलत मतलब ले ले। अजय ऐसा लड़का नहीं है, मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ। अब देखो ना, अपनी जान पर खेलकर उसने मेरी जान बचाई है। आज उस लड़के ने तुम्हारी जान बचाई है, कल कुछ भी हो सकता है। इसलिए मैंने पिताजी के दोस्त धर्मराज के बेटे विक्रम के साथ तुम्हारी शादी करने का फैसला कर लिया है। शादी? इतनी जल्दी भी क्या है दीदी? जल्दी नहीं, जरूरत है। शादी से तो मुझे इनकार नहीं, लेकिन। लेकिन क्या? मॉडलिंग के जो कॉन्ट्रैक्ट मैंने साइन किए हैं वो तो पूरे करने पड़ेंगे ना दीदी। ठीक है, लेकिन आज के बाद तुम कोई नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं करोगी। ओके दीदी, आपका हुक्म सर आंखों पर। अंधेरा हो रहा था और बारिश भी होने वाली थी, तो मैंने उसे उठाया और एक झोपड़े में ले गया। जानती हो सब लोग अपनी जान बचाने के चक्कर में भाग गए थे, सिर्फ मैंने उसकी मदद की है। थैंक गॉड अनीता को कुछ नहीं हुआ। फिर तो अनीता तुमसे बहुत खुश हुई होगी। क्या कहा उसने? अब कुछ नहीं। शुक्रिया भी अदा नहीं किया? नहीं नहीं। और फिर भी तुम उससे प्यार की उम्मीद लगाए बैठे हो जाए? शुक्रिया से क्या होता है, मुझे मालूम है वो मुझसे प्यार करती है, दिल ही दिल में। ओके बाय बाय। हाय मंजू, हाउ आर यू मिसेस शिवा? हाय एवरीबॉडी। हाय, आओ अनीता आओ बैठो, कब से हम लोग तुम्हारी बातें कर अच्छा? रहे हैं। ये देखो तुम्हारी तस्वीर। मैं इतनी खूबसूरत तो नहीं? क्या बात करती हो अनीता, तुम खूबसूरत हो और अजय की फोटोग्राफी ने तुम्हें और भी हसीन बना दिया है। मुझे तुम्हारा काम बहुत पसंद आया और तुम भी। मैं भी? सुनो मुझे इन फोटोग्राफ्स की एनलार्जमेंट बनवा दो। हाँ। ये ये और ये। या श्योर। सी यू। सोनू, ए सोनू। हाँ। इधर। क्या हुआ? तो सही। अजय, आखिर बात क्या है? अनीता और मेरे प्यार की बात। जानती हो अनीता ने आज मुझे अपना एक फोटो बनाने के लिए कहा है, मैं उस फोटो के साथ साथ अपने दिल की बात उस तक पहुंचा दूंगा। इट्स अ गोल्डन चांस, है ना? हाँ। अजय, मैंने भी तो तुमसे अपनी एक तस्वीर बनाने के लिए कहा था, भूल गए ना? I'm sorry, सोनू। अब क्या अनीता के सवार मुझे कुछ नहीं सोचता। देखो ना अपना कैमरा भी भुलाया मैं, अभी आया। तुम मुझे भले ही भूल जाओ, लेकिन अजय कहीं ऐसा ना हो कि अनीता के प्यार में तुम अपने आप को भी भुला बैठो। मैंने कहा ना मेरे पास इस काम के लिए कोई पैसे नहीं है। सिर्फ 1000 की बात है, एक बार हमारी कविताएं छप जाएं, फिर आप देखिएगा खरीदारों की लाइन लग जाएगी पुस्तक भंडारों के सामने, लोग कहेंगे पंडित नंद किशोर शर्मा बेधाक। रहने दीजिए, एक भी किताब नहीं बिकेगी, सारी की सारी रद्दी की ढेर बन के इस घर में पड़ी आपको मुँह चिड़ाती रहेंगी। श्रीमती जी आप हमारी कविताओं का अपमान कर रही हैं। जी नहीं, 1000 बचा रही हूं। 1000 के चक्कर में लाखों कमा रही हैं। मुझे मंजूर है। लाखों जाए पर 1000 ना जाए। जी। एक मिनट। डैडी आपकी किताब में छपाने के लिए एक फोटो निकाल लेता हूँ। हाँ बेटे बढ़िया से खींचना,
पहले पन्ने पे आएगी और इनकी फोटो नहीं आनी चाहिए। टोपी सीधी करो। ये वेरी गुड। ठीक है श्रीमती जी, हम किताब छपवाने का इंतजाम कहीं और से कर लेंगे, लेकिन एक दिन तुम पछताओगी और हमारी कविताएं हंसेंगी। जाइए। देखा बेटे, जवानी में प्यार से बुलाती थी, अब धक्के देके निकाल ली है। ओ मम्मी, तुम कितनी स्वीट हो, आई लव यू, तुम कितनी अच्छी हो। बस बस बस, अब तू क्या कहने वाला है, मैं अच्छी तरह से समझती हूँ। बता क्या प्रॉब्लम है। मम्मी, आज अनीता ने एक फरमाइश कर डाली। अच्छा। उसने कहा अजय मेरे फोटो के बड़े से अलाजमेंट बना के ले आना। अब मम्मी उसने पहली दफा फरमाइश की है और मेरे जेब पे कड़की छाई हुई है। एक 500 रुपए मिल जाते तो। 500 रुपए? प्लीज मम्मी। ठीक है, दे दूंगी। लेकिन अभी तो आप डैडी से कह रही थी कि आपके पास पैसे नहीं। ना तेरे लिए पैसे हैं, ना उनके लिए पैसे हैं। मैं तो मेरी होने वाली बहू के लिए पैसे निकाल रही हूँ। ओ मम्मी, आपके मुंह में घी शक्कर, मेरा मतलब जलेबी। नहीं नहीं नहीं। प्यार के रास्ते में ये पथरीला पहाड़ कहां से आ गया? आओ इसे धक्के मार मार के हटा दे। अबे वो सपना को सौदागर, अबे अबे होश में आ, मेरी टांग छोड़, अबे छोड़ना मेरे पैर। ओह अनिका, ये तो बड़ा भारी पत्थर है, इसे और जोर लगा। लगता ये ऐसे नहीं हटेगा, इसे हमारी मोहब्बत के बारूद से उड़ाकर चकना चूर कर दो। अब ये मेरे पैर है, पथरीला पहाड़ नहीं है। नालायक, छोड़। अबे मेरा पूरा ढांचा हिला के रख दिया नालायक टाइम का। आप जी, आपका बाप जी। अबे जी के क्या करेगा ऐसी हालत में। आई एम सॉरी डैड। हां देव, माफी तो हिंदी में मांग लिया कर बेटे। क्षमा कीजिए पूज्य पिताजी। क्षमा किया प्रिय पुत्र जी। अब ये बताओ, ये अनीता कौन है जिसे तुम मेरे पांव से लिपट कर घड़ी घड़ी पुकार रहे थे, अनीता अनीता अनीता। कौन है भैया? आपकी होने वाली बहू। ये कैसी होने वाली अनहोनी है जिसका हमें आज तक पता नहीं चला। आज आपने उसका नाम सुन लिया, कल उसकी तस्वीर दिखा दूंगा और एक दिन आपके सामने लाके खड़ा कर दूंगा। बेटे, तुम्हारा ये बाप शायर है और हमने अपनी शायरी में, अपनी कविता में केवल काल्पनिक कन्याओं से प्रेम किया है और तुम जीवित कन्या से प्रेम कर बैठे। बाबा बाबा बाबा, हमसे दो कदम आगे निकल गए। तुम्हारा दोष नहीं है बेटे, दोष है जमाने का। कौन है वो सुंदर बालिका? इस भारत देश की एक भारतीय नारी,
खूबसूरती और सुंदरता में नंबर एक, मॉडलिंग की दुनिया में नंबर एक, स्वभाव और सभ्यता में नंबर एक। मतलब ये कि नंबर दो से उसकी मुलाकात हुई नहीं? कभी नहीं। लड़की सोने में तोलने के काबिल है। सुनार के घर पैदा हो जाता, शायर के यहाँ कहाँ से आ गया? अबे जमीन पे खड़ा है और आसमान के चांद को अपनाना चाहता है। भूल जा भूल जा, उस लड़की का ख्याल दिल से भूल जा। कैसे शायर हैं आप पिताजी? इतना भी नहीं समझते कि सीने से दिल निकल सकता है, लेकिन इस दिल से उसका प्यार नहीं। बेटे आज तुझे इतनी बड़ी देखकर, अपना कारोबार और इस घर की जिम्मेदारी संभालते देखकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है। आज मैं भी बहुत खुशी हूँ अंकल, आपने अनीता और विक्रम का रिश्ता मंजूर करके मेरे सर का बोझ हल्का कर दिया है। बेटा ये रिश्ता तुम्हारे पिता ने उस वक्त तय कर दिया था जब ये दोनों छोटे छोटे थे। दरअसल मैं तो अपने दोस्त यानी तुम्हारे स्वर्गवासी पिता को दिए हुआ वादा निभा रहा हूँ, इसलिए तो मैंने आपको यहाँ बुलाया है। बेटा तुम तो जानती हो मेरा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, और हिंदुस्तान से माल एक्सपोर्ट करते करते मैंने अपने आप को अमेरिका एक्सपोर्ट कर दिया है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे वापस जाने से पहले इन दोनों की सगाई पक्की कर दी जाए। आप भी यही चाहते हैं और मैं भी यही चाहती हूँ। मैं कल ही किसी पंडित को बुलाकर सगाई का शुभ मुहूर्त निकलवाती हूँ। आप चाहे जितना चीखे चिल्लाए, मेरे पास आपकी शायरी के लिए, आपकी कविताओं के लिए कोई पैसे नहीं है। और किसी काम के लिए पैसे चाहिए हो तो दे सकती हूँ, लेकिन शायरी के लिए नहीं। समझे क्या? देखिए श्रीमती जी, हमारी जिंदगी में पहले शायरी आई है, फिर आई है आप, और आपके बाद आया वो आपका अंग्रेजी पासपोर्ट। बस बस, अब आप उसके बारे में कुछ ना कहें। क्यों क्यों ना कहें? अरे वो अपने प्यार की कहानियां सुना सुना कर आपसे पैसे ऐंठता रहता है, और हम जिंदगी भर शायरी सुना सुना कर थक गए, हमें ढेला ना मिला। और श्रीमती जी, उसके लिए फौरन आपके पल्लू की गांठ खुल जाती है। उसके लिए नहीं, अपने होने वाली बहू के लिए। होने वाली जी? कहाँ है आपकी होने वाली बहू? कभी देखा है आपने? कहाँ है, कैसी है, लंगड़ी है, लूली है, काणी है? अरे ये सब ख्याली ख्याल है, हकीकत नहीं। श्रीमती जी वो आपको बेवकूफ बना रहा है, उससे कहो अगर कोई होने वाली है तो सामने ले आए, और जिस दिन वो घर में आ गई कसम खाते शायरी छोड़ देंगे। क्या शायरी छोड़ देंगे? हाँ, अगर आप कहें तो हम गंगा जमुना सरस्वती का जल हाथ में लेके कसम खा ले। अजय, अजय बेटा आया। हाँ, आ जाओ बेटे। वादा करके बदल तो नहीं जाएंगे? श्रीमती जी हम वादा करके बदलने वालों में से नहीं, हम शायर हैं शायर। अजय ये बता, तू अनीता को यहाँ एक बार ला सकता है? अरे एक बार क्या मम्मी, मैं तो उसे आपकी बहू बनाकर इस घर में हमेशा के लिए लाने की तैयारी कर रहा हूँ। सुन लिया आपने? सुनाइए नहीं श्रीमती जी, दिखाइए। अब तो बस हम देखना चाहते हैं। देखना चाहते हैं? हाँ। तो आज ही आपकी बहू आपके सामने पेश कर दी जाएगी। माँ तुम जरा चाय पानी का इंतजाम करना। अब अपनी शादी की खैर मनाइए। अरे अपनी तो खैर मन गई जब आप आई थी यहाँ, ढूंढा किए खुद ही को जाने कहाँ कहाँ। ढूंढते रहिए। हाय सोनू। हाय अजय, बात क्या है, आज बहुत खुश नजर आ रहे हो। बात ही कुछ ऐसी है सोनू, जानती हो कल रात अनीता ने मुझे अपनी बाहों में ले लिया और बड़े प्यार से कहने लगी, अजय आई लव यू। सच? हाँ, हम दोनों हाथों में हाथ डाले घूमते रहे, फिरते रहे, प्यार भरी बातें करते रहे, गाते रहे। कहा? सपने में। कैसा लगा मेरा सुंदर सपना? बहुत अच्छा। अजय सोचती हूँ अगर ये ख्वाब ना होते तो इंसान कितना अधूरा होता है ना। जिन्हें हकीकत में नहीं मिलता वो ख्वाब में हासिल करके खुश हो जाते हैं, लेकिन तुम देखना सोनू, मैंने जो ख्वाब देखा है उसे मैं हकीकत में भी हासिल करके रहूंगा। आज मैं अनीता को अपनी मम्मी से मिलाने ले जा रहा हूँ। टन टन। अजय लेकिन आज नहीं आई। नहीं आई क्यों? आज अनीता की मम्मी हो रही है। अच्छा, तुम विक्रम को जानते हो? नहीं। अनीता की मंगनी की बात सुनकर भी तुम हैरान नहीं हुए? मंगनी से क्या होता है, शादी तो मेरे साथ होनी है। लेकिन मुझे अपने प्यार पर पूरा भरोसा है, अनीता मेरे सिवा और किसी की नहीं हो सकती। ओके बाय।